आज मैं ये डबल फैदर स्टिच बता रही हूँ, यहाँ इसमें दोनों साइड से फैदर निकला हुआ है तो इसको डबल फैदर स्टिच बोलते हैं। सिंगल फैदर स्टिच मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बता दी हूँ। अब ये डबल फैदर स्टिच कैसे बनाना है ये बताती हूँ। यहाँ पर एक इसमें मैं स्टेम स्टिच का यूज की हूँ। तो इस मोटिव से आप बेडशीट, पिलो कवर या फिर आप सन कवर या सोफ़ा कवर किसी पे भी इसको डालकर बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए बताते हैं। तो इस पे मोटिव कैसे बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर पहले एक पॉट के जैसा इस तरह से पॉट बना ले रही हूँ, इस तरह से एक ऐसे पॉट बना ली हूँ। इस पर अब क्या करना है, यहाँ से एक इस तरह से ऐसे निकालना है, फिर ये जो है ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और इस जगह से ऐसे जाएगा। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस पर बनाना बताती हूँ, डबल फैदर कैसे बनाना है इस पर धागा से। तो यहाँ पे सुई में मैं ये धागा डाल चुकी हूँ। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इधर से ऐसे स्टार्ट करना है या फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, या तो फिर इधर से ऐसे करना है फिर इधर से ऐसे ले जाना, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं इस जगह से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे धागा डालना है इस जगह से, यहाँ से धागा निकालने के बाद क्या करना है, ठीक इसके स्ट्रेट ऐसे जाना है और यहाँ से डाल के और ये बीच के लाइन में थोड़ा सा ऊपर में ऐसे निकालना है इस जगह पे। तो उसके बाद और ये जो धागा है नीचे वाले को इसको ऐसे कर लेना है, इस जगह से ऐसे निकालना है। डबल फैदर है तो इसमें क्या है, दोनों साइड से बनेगा। अब जिस यहाँ पर धागा को इस जगह पे हम निकाले हैं तो ठीक इसके स्ट्रेट इस जगह पे जाना है और यहाँ से ऊपर ले जाना है और इसको ऐसे इस तरह से कर लेना है ऐसे, इस तरह से फैदर होगा। एक बार फैदर इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा और जिस जगह से धागा निकला है ये धागा ठीक उसके स्ट्रेट ऐसे जाना है और यहाँ पे यहाँ से ले जाना है सुई को और इस जगह पे ऊपर निकालना है इस जगह पे, फिर इसको ऐसे कर लेना है और फिर यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। इसी तरह से फैदर बनता जाएगा। फिर उसी तरह से जैसे यहाँ पर अब निकला हुआ है धागा तो इसके स्ट्रेट इस जगह पे आना है और यहाँ से अब ऊपर इस वाले लाइन पे निकालना और ये जो है इसको ऐसे सुई के अंदर इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से ये बनेगा। इसी तरह से फिर ये जो है यहाँ पे धागा निकला है तो उसके स्ट्रेट ऐसे जाना है, इस जगह पे लेना है और फिर इसको ऊपर ऐसे ले जाना है। अगर इधर जाना है तो इस साइड निकालना है और इधर जा रहे हैं अभी हम तो इस साइड धागा निकालेंगे और ये जो धागा है इस धागा को क्या करना है, इसको ऐसे लेना है। तो इसी तरह से बनाते जाना है हर बार। अब ये जो धागा यहाँ निकला है इसके स्ट्रेट ऐसे लेना है, ठीक है नीचे से ये जो है इस तरह से दबा के सुई के नीचे से ऐसे लेना है और इसी तरह से बनाते जाना है। तो इस तरह से ये एक साइड कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, इसको इस जगह पे पहले लॉक करने के लिए जैसे ये अंदर से निकला हुआ है तो यहाँ सामने ऐसे डालना है और नीचे ले जाना है सुई। तो ये यहाँ पे ये लॉक हो गया इस जगह पे ऐसे, एक तरह इधर से इस तरह से ये बन गया। अब फिर अब यहाँ से अब इधर ऐसे जाएंगे, इस तरफ जाना है तो फिर सुई को अंदर से निकालना है तो यहाँ पे निकालेंगे इस जगह पे, और यहाँ से फिर इस तरफ बनाएंगे। तो यहाँ से सुई निकाल लिया, अब इसके स्ट्रेट यहाँ पे लेना है इस जगह पे, धागा के ऐसे स्ट्रेट लेना है और ऊपर निकालना है, इसको ऐसे कर लेना है।
प्रोसेस सेम रहेगा और उसी तरह से बनाते चले जाना है। अब इधर से निकाल लिए हैं तो फिर अब इसी के स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे लेना है इस जगह, और फिर यहाँ से ऊपर जाना है, और ये जो धागा है इसको सुई के नीचे से ऐसे ऐसे घुमाना है, तो इस तरह से ये बनता जाएगा। इसी तरह से चलते चलना ये धागा जैसे बता रखे हैं ऑलरेडी वैसे ही बनाते जाना है। तो इस तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये दो मैंने दो साइड बना लिया है, यहाँ पे लॉक करना है, और लॉक करके फिर इस जगह फिर यहाँ से ऐसे उठाएंगे इसको यहाँ से, और इसको इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इस जगह से निकालेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से उठा के ऊपर कंप्लीट करेंगे। इतना करके फिर दिखाते हैं, प्रोसेस तो सेम है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैं सारा इसको बना ली हूँ, डबल फैदर स्टिच। डबल फैदर स्टिच में क्या है, दोनों साइड से फैदर ऐसे निकला रहेगा, और इसके बाद सिंगल फैदर स्टिच मैं पहले बता चुकी हूँ, ये डबल फैदर स्टिच है। अब ये जो गमला है, ये जो गमला बना हुआ है, इसको क्या करना है, आप चाहे चेन स्टिच से ऐसे बना लें या फिर इसको स्टेम स्टिच से इस तरह से इसको बना लेने से बहुत ही सुंदर लगेगा। मैं बना कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पर स्टेम स्टिच से इसका गमला को मैं यहाँ पे बना दी हूँ। तो डबल फैदर स्टिच और स्टेम स्टिच का यूज़ करके मैं इसको बनाई हूँ। तो इस तरह से बनाना है।